हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत दर्शन, जिसके अंतर्गत हम मायावाद पढ़ेंगे। मायावाद वेदांत दर्शन, सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत, यानी कि जिसका वेदांत का मतलब ही हो गया वेद का अंत, यानी कि वेदों के बाद में आने वाला। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेदों का अंतिम भाग उपनिषदों को माना गया है। अब जैसे कि वेद का अंत बता देगा तो वेद का अंत किससे होगा, उपनिषद से ही होगा। तो वेद का अंत वेदों का अंतिम भाग उपनिषद को माना गया है। वेदों में हमें जो दार्शनिक विचार दिखाई देते हैं उसकी चरम अवस्था उपनिषदों में विद्यमान है। उपनिषदों को वेदों का रहस्य माना जाता है। वेद का अंत उपनिषद कहे गए हैं और वेदों का रहस्य भी उपनिषद को माना गया है। मुख्यतः वेदांत दर्शन उपनिषदों पर ही आधारित है। अब वेदांत दर्शन किस पर आधारित है, ये जो हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन ही उपनिषदों पर ही आधारित है। वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ वादरायण वीररचित ब्रह्मसूत्र को माना गया है। अब जैसे कि वेदांत दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो वादरायण वीररचित ब्रह्मसूत्र को माना गया है। आगे चलकर वेदांत दर्शन कई संप्रदायों में बंट गया है। इनमें अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर माने जाते हैं। इसका प्रमुख ग्रंथ आचार्य शंकर का ही ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया है, शारीरिक भाष्य है। अद्वैतवाद का ही मानना है कि एकमात्र सत्य तत्व ब्रह्म है और समस्त संसार मिथ्या है, इसी कारण इनका मत अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैत वेदांत ब्रह्म के अतिरिक्त संपूर्ण संसार और उसकी वस्तुओं को असत्य मानता है। वह यह मानता है कि यह संसार माया का परिमाण है। इस माया से युक्त संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। वेदांत दर्शन में जो है अद्वैतवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह जो संसार है वह मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, माया से युक्त है। माया को समझाने के लिए इसी ओर सांप का दृष्टांत दिया जाता है। जैसे दूर से देखकर रस्सी को जब हम सांप समझ बैठते हैं तो हमें उसी के प्रति सांप जैसे व्यवहार करने लगते हैं। इस भ्रम का कारण अज्ञान होता है। अज्ञान के दो कार्य होते हैं। तो हम जैसे कि हमें सांप दिखाई दे रहा है तो हमने इसे माया मान लिया और हम सांप के अनुरूपी व्यवहार करेंगे। ये है हमारा माया भ्रम मिथ्या ज्ञान। अज्ञान के दो कार्य होते हैं। प्रथम कार्य होता है तो यह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। अज्ञान का क्या करता है कि किसी की वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ही ढक देता है। दूसरा क्या रहा होता है ज्ञान का, उसमें अन्य वस्तु का आरोप भी करा देता है। माया के भी दो कार्य होते हैं। प्रथम होता है यह है ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है और ब्रह्म में जगत का आरोप कर देती है। इसमें हमने अज्ञान के दो कार्य भी बताए हैं और माया के भी दो कार्य बताए हैं। अज्ञान के कार्य हैं यह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक देता है। अज्ञान का दूसरा कार्य है उसमें अन्य वस्तु का आरोप भी करा देता है। वहीं माया के दो कार्य हैं, यह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है और ब्रह्म में जगत का आरोप करा देती है। इस प्रकार माया अज्ञान का भी रूप ही है। अतः आचार्य शंकर का मानना है कि ब्रह्म अपनी माया नामक शक्ति का प्रयोग करके जगत का सृजन करता है। ब्रह्म और जगत के संबंध का लेकर आचार्य शंकर का मत विवर्तवाद कहलाता है। शंकर ने माया शब्द का प्रयोग मुख्यतः अविद्या के रूप में ही किया है। इनमें कोई तात्विक भेद नहीं है। उपाधि के कारण ही इसे अनेक नामों से जाना जाता है। अब वेदांत दर्शन के अंतर्गत हमने पूरी बात जो है वो मिथ्या भ्रम माया के ऊपर की है और किस तरह से हम किसी भी चीज़ को अज्ञान के रूप में वशीभूत होकर उसे सत्य मान लेते हैं। जैसे यह वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेता है और हम दूर से रस्सी को देखकर हम उसके सांप की कल्पना कर लेते हैं और हम उसे सांप समझ बैठते हैं। अब हम बात करेंगे माया की विशेषताएँ। माया की यहाँ पर 8 विशेषताएं दी गई हैं। तो आचार्य शंकर ने माया की अनेक विशेषताओं का निपुण किया है जो इस प्रकार है। अब ये जो विशेषताएं हैं ये आचार्य शंकर ने ही बताई हैं। तो पहली विशेषता है माया की, माया अध्यास है। आचार्य शंकर ने माया को अध्यास रूप माना है। जहाँ जो वस्तु नहीं होती है उसकी कल्पना कर लेना अध्यास कहलाता है। जिस प्रकार रस्सी में सांप की सती नहीं होती किंतु फिर भी रस्सी को सांप मान लिया जाता है, यह अध्यास है। इसी प्रकार निगुण ब्रह्म में जगत नहीं होता किंतु माया के कारण उसे जगत रूप मान लिया जाता है। आचार्य शंकर ने माया को क्या माना है, अध्यास माना है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार रस्सी में सांप की सती नहीं होती किंतु फिर भी रस्सी को सांप मान लिया जाता है, यह अध्यास है। इसी प्रकार निगुण ब्रह्म में जगत नहीं होता किंतु माया के कारण उसे जगत रूप मान लिया जाता है।
दूसरी विशेषता है माया विवर्त है, माया की वास्तविक स्थिति नहीं होती। अज्ञान की भी, अज्ञान क्या करता है कि वास्तविक स्थिति को ही ढक लेता है, उसी प्रकार माया की वास्तविक स्थिति नहीं होती। यह विवृत है, माया क्या है, विवृत है। जैसे रस्सी का विवृत सांप है, रस्सी का विवृत हमें जो दिखाई दिया वो है सांप। रस्सी का जो आईना होता है या फिर हम कह सकते हैं मिरर बोला गया, तो वो सांप है, हमें दिखाई दिया, दूसरे छाया के रूप में हमें सांप दिखाई दिया, जो मिथ्या है। अब रस्सी का, रस्सी को सांप माना, यह क्या है, मिथ्या है। उसी प्रकार ब्रह्म का विवृत यह संसार है जो माया का कारण प्रतीत हो रहा है। तीसरी विशेषता भ्रम की शक्ति है, माया को भ्रम की शक्ति माना गया। अब माया को किसकी शक्ति माना गया, भ्रम की शक्ति, यह उसके अधीन है। माया किसके अधीन है, तो माया भ्रम के अधीन है, भ्रम की शक्ति मानी गई है, क्योंकि भ्रम अपनी माया नामक शक्ति का प्रयोग करके इस जगत का प्रदर्शन करता है। माया का कोई स्वतंत्र अतित्व नहीं है, इस आधार पर माया का आश्रय स्थान भ्रम को ही माना गया है, किंतु भ्रम पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छोटी विशेषता है माया अनिवर्चनीय है, माया न तो सत्य स्वरूप है और न ही असत्य स्वरूप है। हम देखें तो एक तरीके से माया को सत्य भी नहीं माना गया और असत्य भी नहीं माना गया, यह मनुष्य मात्र की कोरी परिकल्पना है। वह सत्य इसलिए नहीं है, अब माया सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि यह अनिवर्चनीय है, यानी कि सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है। यह सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न माया का कोई अतित्व नहीं है। इसी प्रकार वह असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसके द्वारा जगत को प्रसिद्ध किया जाता है। माया को सत्य और असत्य दोनों कहना विद्रोहात्मक होगा, अतः माया को अनिवर्चनीय कहा गया है। हम माया को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये विद्रोहात्मक होगा, यानी कि विरोधाभास होगा माया को सत्य और असत्य कहना, इसलिए माया को हमने अनिवर्चनीय माना है। पांचवी विशेषता है माया अस्थाई है, यानी कि एक जगह स्थाई नहीं है। माया क्या है, अस्थाई। अब हमारी जो कल्पनाएँ होती है वो स्थाई थोड़ी होती है, हम किसी भी प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए माया क्या है, अस्थाई है। यह माया की पांचवी विशेषता है, माया अस्थाई है, इसकी पांचवी विशेषता है। माया का अंत ज्ञान से हो जाता है, अर्थात जैसे ही ज्ञान का उदय होता है तो जगती रूपी भ्रम समाप्त हो जाता है। बताया गया कि जैसे ज्ञान का उदय होगा तो जगती रूपी भ्रम समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे जिस तरह मनुष्य को ज्ञान आने लगेगा, उसका जो भ्रम है वो हमेशा दूर होता रहेगा और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे रस्सी का वास्तविक ज्ञान होते ही सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है। अब माया क्या अस्थाई माना है, इसे एक जगह स्थाई नहीं माना जा सकता, अर्थात जैसे ही ज्ञान का उदय होगा तो जगती रूपी ब्रह्म समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे रस्सी का वास्तविक स्वरूप हमें ज्ञान के वशीभूत ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने ज्ञान के कारण ही उसे पहचान लिया कि रस्सी क्या है, सांप का भ्रम है। छठी विशेषता है माया भाव रूप है, इसमें भाव रूप को बताने के लिए स्पष्ट किया गया है कि माया निषेधात्मक नहीं है, क्योंकि माया में दो पक्ष विद्यमान है। पहला निषेधात्मक भावात्मक, निषेधात्मक पक्ष में वह सत्य का आवरण है क्योंकि माया सत्य को ढक लेती है, जबकि भावात्मक पक्ष के दृष्टिकोण से वह भ्रम के विवृत रूप में जगत को उत्पन्न करती है। हमने यहाँ पे माया भाव रूप है, इसे हमने दो पक्ष माने हैं, पहला है निषेधात्मक भावात्मक, दूसरा है निषेधात्मक, दो है निषेधात्मक और दूसरा भावात्मक। निषेधात्मक पक्ष क्या है कि वह सत्य का आवरण है। अब जैसे कि जो हमने दो पक्ष माने, पहला निषेधात्मक दूसरा भावात्मक, जो निषेधात्मक है वो पक्ष क्या है, सत्य का आवरण है, क्योंकि माया क्या है, सत्य को ढक लेती है, जबकि दूसरा जो पक्ष है भावात्मक पक्ष के दृष्टिकोण से वह भ्रम के विवृत रूप में जगत को उत्पन्न करती है। सातवीं विशेषता है माया अनादि है, जिस प्रकार ब्रह्म को अनादि माना गया है उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति होने के कारण भी माया भी अनादि है। अब जैसे कि हम देखेंगे कि ब्रह्म क्या है, अनादि है, तो हमने माया को भी अनादि मान लिया। हमने तीसरी विशेषता पढ़ी थी भ्रम की शक्ति, माया को हमने उसमें भ्रम की शक्ति भी माना था और माया के अधीन है भ्रम की, और माया अपनी शक्ति का प्रयोग कर इस जगत का प्रदर्शन करता है। उसी तरह हमने सातवीं विशेषता में बोला है कि जिस प्रकार भ्रम को अनादि माना गया है उसी प्रकार भ्रम की शक्ति क्या है, माया, तो माया को भी अनादि माना गया है। आठवीं जो विशेषता है वो है माया अत्यक्त है, माया के अर्थात स्वरूप का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि माया अन्यत सूक्ष्म स्वरूप है, इस कारण माया को अत्यक्त माना गया है। हमने आज मायावाद की आठ विशेषताएं पढ़ी, जिस प्रकार है, पहली है माया अध्यास है, दूसरी है माया विवृत है, तीसरी विशेषता है भ्रम की शक्ति है, चौथी विशेषता है माया अनिवर्चनीय है, पाँचवीं विशेषता है माया अस्थाई है, छठी विशेषता है माया भाव रूप है, सातवीं विशेषता है माया अनादि है और आठवीं विशेषता है माया अत्यक्त है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।